इवनिंग्स एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग या गुड इवनिंग्स। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग या गुड इवनिंग्स। भाई फटाफट लास्ट क्लास का रिकॉल कर लो, फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग्स। चलो भाई लेट्स स्टार्ट। यार लास्ट क्लास में क्या क्या कर लिया था पहले उसका रिकॉल करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। भाई लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें ड्यू टू रोटेशन वाला ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होगा वो कराया था। ये स्वीकार मैडम। चलो भाई रिकॉल। भाई लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा। अब की बार हम एंगल भी चेंज करा रहे थे और दूसरी चीज हम मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहे थे कंडक्टिंग वायर से, बट ड्यू टू द रोटेशन। तो हमने कहा कि जब भी हमारी रॉड या कोई भी वायर रोटेट कर रही होगी और रोटेट करते वक्त वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट कर रही होगी तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, लेकिन उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होगा हाफ बी एल स्क्वेयर ओमेगा। वेयर एज अगर लीनियर मोशन की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करते वायर तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला क्या था, बी एल वी। ये दोनों फॉर्मूले किस चीज के हैं, ये दोनों ही फॉर्मूले हमारे पास प्रोपोर्शनल ईएमएफ के हैं। चेक करके बताओ पहले यहां तक कोई नो सर। भाई एक मिनट रुकना प्लीज। डन। यार उसके बाद हमने लिया था कि अगर हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर कोई भी एक लूप रोटेट कर रहा है तो उस केस में भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। भाई इसका फॉर्मूला रिकॉल कराओ, मैंने बताया था ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का। भाई कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं है, रिवाइज है या नहीं? सर एनबीए ओमेगा साइन ओमेगा टी। भाई बिल्कुल कि ई इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू ई नॉट। ई नॉट हुआ करता था हमारे पास मैक्सिमम मैक्सिमम ईएमएफ साइन ओमेगा टी, जहां पे ई नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट की जगह एनबीए ओमेगा। तो इसलिए हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया था ई इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू NBA ओमेगा साइन ओमेगा। अब चेक कर लो यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, तो फिर आगे टॉपिक पे बढ़े। लास्ट टॉपिक बचा है बस इंडक्शन। चलो बढ़िया। तो भैया लिखो हेडिंग, अब हमारे पास लास्ट टॉपिक दैट इज इंडक्शन। यार अगर आपको याद हो जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट कराया था तो मैंने फेरेडेज की चार एक्टिविटी कराई थी तुम्हें। एक एक्टिविटी हमारे पास ये थी कि अगर ये मैं कोई एक रॉड ले रहा हूं और इसके ऊपर मैं दो वायर्स फिक्स कर रहा हूं, एक है हमारे पास ये वाली वायर सोलेनोइड दैट इज प्राइमरी कॉइल, और ऐसे हमारे पास यहाँ पे एक और कॉइल है सेकेंडरी कॉइल, और यहाँ पे हमने कनेक्ट किया था गैल्वेनोमीटर टू चेक द प्रेजेंस ऑफ करंट, और यहाँ पे हमने कनेक्ट किया था अपना एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की इक्वेशन ई इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यार मेरे को बताओ अब व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड? म्यू नॉट एन आई। भाई बिल्कुल सही, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई। तो यार मेरे को बताओ अगर ये एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स है तो मतलब जो इससे करंट प्रोड्यूस होगा
इंड्यूस्ड करंट होगा वो भी तो ऑल्टरनेटिंग करंट ही होगा ना। तो अगर ये करंट हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट है मतलब इसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो अगर इस करंट की वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है तो कह सकता हूं कि जो ये हमारा प्राइमरी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो वैल्यू भी कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी। भाई क्या हुआ, ये चीज क्लियर है या नहीं? सर रिपीट कर दो एक बार। भाई रिपीट, भाई क्या हो गया, डल रिस्पांस क्यों चल रहा है? रिपीट भाई रिपीट। मैं कह रहा हूँ हमने जो प्राइमरी कॉइल लिया है उस प्राइमरी कॉइल को हमने एक अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट कर दिया। अल्टरनेटिंग सोर्स का मतलब क्या है कि भैया इसकी ईएमएफ की वैल्यू पोटेंशियल की वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होगी। तो जो ये करंट प्रोड्यूस करेगा, ये वाला करंट जो सर्किट में फ्लो करेगा, इस करंट की वैल्यू भी क्या कॉन्स्टेंट होगी या चेंज होती रहेगी? तो इस करंट की वैल्यू भी कंटिन्यूअसली क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। याद है मैंने लास्ट क्लास में ग्राफ ड्रॉ करके बताया था ऑल्टरनेटिंग करंट कि इसकी कंटिन्यूअसली वैल्यू भी चेंज होती रहेगी और डायरेक्शन ऑफ करंट भी हर एक हाफ साइकिल के बाद चेंज होगी, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल पॉजिटिव साइकिल। याद आ गया भाई? यस सर। तो यार मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, इस सोलोनॉइड में करंट फ्लो कर रहा है, तो हमने अपने फोर्थ चैप्टर में पढ़ा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, किसी भी सोलोनॉइड से अगर करंट को फ्लो कराएंगे तो उससे हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई। तो मेरे को बताओ अगर मैं इस करंट की वैल्यू जो सोलोनॉइड में फ्लो कर रहा है उसमें कंटिन्यूअसली चेंज करा रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा? सर कंटिन्यूअसली चेंज होगी। बिल्कुल, तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। अब जो प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड है ना वो क्या होगा, वो सेकेंडरी कॉइल से भी पास करेगी। तो अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल से भी पास कर रही है, तो सपोज ये है हमारे पास सेकेंडरी कॉइल का एक सर्कुलर लूप, ऐसे मल्टीपल सर्कुलर लूप्स है सेकेंडरी कॉइल में, मैंने एक सिंगल लूप लिया। मैं कह रहा हूं कि इससे जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है भैया, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। फ्लक्स का फॉर्मूला जो इस लूप से आएगा, फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा, यार इसका लूप का एरिया कांस्टेंट है, एंगल कांस्टेंट है, लेकिन अब की बार मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो सेकेंडरी लूप के कॉइल से भैया फ्लक्स चेंज हो जाएगा और इस सेकेंडरी लूप में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा फिर? Induced EMF. Very good. Induced EMF हो जाएगा। अब चेक करके बताओ किस किस को ये नहीं समझ में आया, पूरा रिपीट करना है। ओ भैया बड़ा डल रिस्पॉन्स दे रहे हो, सही से रिस्पॉन्स दे लो। सर लास्ट वाला टॉपिक बता दो। लास्ट वाला पूरा रिफर से बताना है। चलो ठीक है यार, देखो मैं फ्लक्स के आगे वाला। हाँ इसके आगे वाले बता रहा हूँ, बस इतनी चीज सुन लो। मैंने तुम्हें क्या कहा, मैंने कहा कि ये वाला कॉइल हमारा प्राइमरी सोलेनोइड है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ये जो पेन है इसकी मैग्नेटिक फील्ड समझ लो। अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेकेंडरी कॉइल से भी चेंज हो रही है, मतलब पास हो रही है। ऋतिका यहां तक समझ में आया? यस सर। अब मैं कह रहा हूं ये जो लूप है, इस लूप के जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो इस लूप से जो लिंक हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, क्या वो चेंज होगा या नहीं होगा? होएगा सर। तो बस अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा ना। तो मतलब हमने प्राइमरी कॉइल की हेल्प से सेकेंडरी कॉइल में करंट प्रोड्यूस कर दिया, ईएमएफ प्रोड्यूस कर दिया। क्या इतनी सी चीज क्लियर है? यस सर। डन भैया, यहां तक नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तनिष्का मैडम दो चीजें एक साथ कह रही हो। भैया सबको नोट डाउन हो जाए बताना फिर आगे बढ़ते हैं, आज ये टॉपिक खत्म कर देना चाहिए हमें। चलो डन आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस डन सर। डन बढ़िया। अब यार इसी को थोड़ा सा और डिटेलिंग में समझना कि क्या हो रहा है।
मैंने प्राइमरी कॉइल में, अब मैं इसको थ्योरेटिकली लिख रहा हूं तो देखना, मैंने प्राइमरी कॉइल में क्या चेंज कराया, मैंने प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज कराया। जब मैंने प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज कराया तो इसकी वजह से क्या चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। अब ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी सेकेंडरी कॉइल से पास कर रही थी, तो सेकेंडरी कॉइल से हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, सेकेंडरी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। ये पूरी चीज मैंने उसमें लिख दी है, प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज, करंट चेंज से मैग्नेटिक फील्ड चेंज, मैग्नेटिक फील्ड चेंज से सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज हुआ और उसके बाद इंड्यूस ईएमएफ हुआ। तो अगर मैं एक कॉइल की हेल्प से दूसरे कॉइल में करंट प्रोड्यूस कर रहा हूं तो इस चीज को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्या भाई ये चीज समझ में आई है, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन? यस सर, यस सर। कि प्राइमरी कॉइल के हेल्प से मैंने सेकेंडरी कॉइल में करंट चेंज कर दिया, करंट प्रोड्यूस करा दिया, तो दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। और यही कॉन्सेप्ट हमारा यूज होता है ट्रांसफॉर्मर में। ट्रांसफॉर्मर कि यार ट्रांसफॉर्मर में हमारे पास दो कॉइल्स होती हैं, एक कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है, दूसरे कॉइल के अंदर हमें करंट प्रोड्यूस कराना होता है। लेकिन जो करंट प्रोड्यूस कराना है हम चाहते हैं उस करंट की वैल्यू पहले वाले से या तो ज्यादा हो या तो पहले वाले से कम हो। भाई सबने ट्रांसफॉर्मर का तो सुना ही होगा ना, वर्किंग आसपास कहीं देखा भी होगा। यस सर, बिल्कुल। तो उसका काम यही है कि जो करंट आ रहा है प्राइमरी कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल में भी हम करंट प्रोड्यूस करा दें, लेकिन या तो उससे कम या तो उससे ज्यादा, अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट। ऐसे ही अब एक और चीज समझना, हमें पहले यही वाली चीज पढ़नी है, दैट इज सेल्फ इंडक्शन। अब सेल्फ इंडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करो, आपको क्लियर हो जाएगा कि यार ये मेरा पहला प्राइमरी कॉइल ही है। अगर मैंने प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज कराया था तो इसके खुद की मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई थी, इसके खुद की मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड से मतलब वो हो गई थी चेंज, तो इसके खुद के सर्कल से, इसके खुद के लूप से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रही है वो भी तो चेंज हो रही है, तो मतलब इसका खुद का भी तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। नहीं, ये चीज नहीं समझ में आई। अरे यार थोड़ा सा हाँ या ना कुछ तो रिस्पॉन्ड करो भाई, ये चीज समझ में आ रही है या रिपीट करनी है? सर रिपीट। हाँ तो इतना डल रिस्पॉन्स क्यों दे रहे हो आज, क्या हो गया भाई? रिपीट, मैं कह रहा हूं अब सेकेंडरी कॉइल को भूल जाओ, सेकेंडरी कॉइल को अभी बाद में डिस्कस करेंगे, सेकेंडरी कॉइल को जो डिस्कस करेंगे वो म्यूचुअल इंडक्शन में डिस्कस करेंगे। मैं कह रहा हूं अभी म्यूचुअल इंडक्शन को भूल जाओ, अब आ जाओ पहले सेल्फ इंडक्शन में। मैंने कहा ये मेरी कॉइल थी प्राइमरी कॉइल, इसी के अंदर मैंने करंट चेंज कराया, करंट कौन दे रहा था, अल्टरनेटिंग सोर्स। इसके अंदर अगर मैंने करंट चेंज कराया तो इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी वो भी चेंज हो रही है, तो इसके खुद के लूप के अक्रॉस भी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है। यस सर, ठीक है भैया। मैं कह रहा हूं दूसरे को क्यों देखना, पहले खुद को तो देखें भैया, जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रखी है वो भी चेंज हो रही है, तो इसके खुद का भी तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसके खुद का भी फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो इसके अंदर भैया एक तो आपने आपने बैटरी कनेक्ट करी, आपने सोर्स दिया, एक दूसरा सोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा ईएमएफ का जो कि चेंज इन फ्लक्स की वजह से हुआ है। इस ईएमएफ को हम कहेंगे बैक ईएमएफ। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। यार कभी आपने नोटिस किया है, कभी हैवी इलेक्ट्रिक अप्लायंस का आप स्विच ऑन करते हो या स्विच ऑफ करते हो तो ऑन और ऑफ के टाइम पे हल्का सा एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है। यस यस सर, वो एग्जांपल सेल्फ इंडक्शन का ही है, क्योंकि उसके अंदर एकदम से आप सर्किट को ब्रेक कर रहे हो, एकदम से सर्किट को चालू कर रहे हो, तो उस केस में बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और उसकी वजह से स्पार्क प्रोड्यूस होता है। गीजर में स्पेशली, वेरी गुड प्रतिभा। तो अब इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझो, आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। इधर समझो यार, मैंने क्या किया भाई, ये मैंने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, प्लीज जरा चेक कर लेना। मैंने एक बल्ब कनेक्ट किया, यहाँ पे एक स्विच लगाया, यहाँ पे एक बैटरी, और ये वापिस से सर्किट हमारा क्लोज। अभी मैं बात कर रहा हूँ इनिशियल सिचुएशन की, इनिशियल कंडीशन वन, इनिशियली सर्किट स्विच ओपन है। तो अगर ये स्विच ओपन है तो
तो मेरे को बताओ कितना करंट फ्लो कर रहा होगा इस बल्ब से, इस सर्किट से? जीरो। जीरो, वेरी गुड। अब आपने क्या किया, आपने स्विच को क्लोज किया। अगर आपने स्विच को क्लोज किया तो भैया जैसे ही हम स्विच को क्लोज कर देंगे, बैटरी के साथ क्या दिक्कत है, बैटरी धीरे धीरे करंट प्रोवाइड करती है। याद है मैंने आपको कैपेसिटर्स में पढ़ाया हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैटरी एंड करंट। बैटरी धीरे धीरे करंट देती है, वेरियस कैपेसिटर वन शॉट में करंट देता है। तो अगर ये बैटरी के साथ मैंने स्विच को क्लोज कर दिया तो इस करंट की वैल्यू क्या होती रहेगी, इस करंट की वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती रहेगी। अगर इस करंट की वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है, मतलब करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इस बल्ब के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि बल्ब भी एक एग्जांपल है छोटे से सोलेनोइड की तरह ही, जैसे ये छोटा सोलेनोइड है बस दो टर्न्स का एक तरीके से, तो इस मैग्नेटिक फील्ड पे भी क्या असर पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी या नहीं होगी? तो मेरे को बताओ अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो बल्ब से एसोसिएटेड, बल्ब से ही लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उस पे क्या फर्क पड़ेगा? चेंज होगा। वेरी गुड। तो इसके अंदर चेंज होगा ना, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। याद है आपको लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या करानी पड़ेगी, डिक्रीज करानी पड़ेगी। तो करंट हमारा इंक्रीज हो रहा है राइट साइड में, प्लीज ध्यान देना, करंट की वैल्यू जो इंक्रीज हो रही है वो राइट साइड में हो रही है। तो हमारा एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों प्रोड्यूस होगा, ताकि जो करंट की वैल्यू इंक्रीज कर रही है ये अपोजिट करंट उसको सब्ट्रैक्ट करेगा और करंट की वैल्यू को इंक्रीज नहीं होने देगा। तो ये इंड्यूस्ड करंट जो प्रोड्यूस हुआ है ये इस ओरिजिनल करंट के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ है, इसलिए इस करंट को या इस ईएमएफ को हम क्या कहेंगे, इस ईएमएफ को हम कहेंगे बैक ईएमएफ। क्या चीजें क्लियर हो गई? यस सर। डन, बहुत बढ़िया। और इस ईएमएफ को हमने कह दिया बैक ईएमएफ। अब सिमिलरली भैया सपोज काफी टाइम हो गया, मतलब कुछ टाइम 10-15 मिनट हो गए, तो उस केस में करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। ध्यान देना, अब कुछ टाइम बाद हमारे करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी क्योंकि बैटरी अपना पूरा करंट दे रही है। अगर कुछ देर बाद करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इस केस में क्या ईएमएफ प्रोड्यूस होगा? तो ये जो सेकंड वाली सिचुएशन है ना, ये वही वाली सिचुएशन है जो मैंने बताया कि आप स्विच ऑन कर रहे हो। जब आप गीजर का या एसी का स्विच ऑन करते हो, हैवी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, तो उस केस में आपने जस्ट एकदम से करंट को फ्लो कराना स्टार्ट कराया, एकदम से करंट को फ्लो कराना स्टार्ट कराया, तो भैया बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया और बैक ईएमएफ की वजह से वो एकदम से स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है। अब आ जाओ फोर्थ वाली कंडीशन, लास्ट कंडीशन पे। भाई लास्ट कंडीशन में आपने क्या किया, स्विच को फिर से ओपन कर दिया। अगर आपने स्विच को ओपन कर दिया तो अब भैया करंट की वैल्यू है ना डिक्रीज होना शुरू कर देगी, करंट की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू कर देगी, तो मतलब करंट चेंज हो रहा है। करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज तो फिर से फ्लक्स चेंज, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फिर से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। लेकिन अब की बार ये इंड्यूस्ड ईएमएफ सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा या अपोजिट डायरेक्शन में? अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है तो जो मैग्नेटिक फील्ड आप बनाना चाहोगे लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, वो अपोजिट डायरेक्शन में बनाना चाहोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैंने लूप लिया, मैं कह रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आप बनाओगे वो अंदर बनाओगे या बाहर बनाओगे? सर बाहर। बाहर बनाएंगे और उसके हिसाब से जो इसमें करंट फ्लो करेगा इंड्यूस्ड करंट वो एंटी क्लॉकवाइज करेगा। लेकिन मैंने कहा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है तो डिक्रीज करने से रोकना है, तो भैया हमें मैग्नेटिक फील्ड को सेम डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी डिक्रीज होने से रुकेगी। तो जैसे इसके अंदर मैं मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स ड्रॉ कर रहा हूं और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है, तो अब की बार आप मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही प्रोड्यूस करोगे ताकि वो डिक्रीज ना हो। फिंगर्स को घुमाया तो अब की बार करंट कैसे डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो याद आ गई, ये मैंने लिखवाई भी आपको पहले क्लास में। यस सर। तो यार सेम चीज इधर, पहले करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी इसलिए जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ, लेकिन अगर अब की बार करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो अब की बार करंट सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो इसीलिए जब आप स्विच क्लोज करते हो तो एकदम से आपने सर्किट ब्रेक किया, करंट की वैल्यू एकदम से बहुत ज्यादा डिक्रीज हुई एकदम से, क्योंकि आपने सर्किट बंद कर दिया, सर्किट को तोड़ दिया, तो एकदम से करंट की वैल्यू इतनी ज्यादा डिक्रीज होती है कि एकदम से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। आपने एकदम से स्विच बंद किया तो मतलब टाइम की वैल्यू बहुत छोटी है, अगर डिनोमिनेटर बहुत छोटा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ एकदम से जो प्रोड्यूस होगा वो कैसा प्रोड्यूस होगा, वो लार्ज प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए स्विच बंद करते ही एकदम से लार्ज ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और वो स्पार्क बना देता है। भाई आई होप चीजें डन होंगी, क्लियर होंगी। कभी आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी शायद से यार, कि दो वायर्स को वो सेपरेट करते हैं एकदम से तो बीच में स्पार्क प्रोड्यूस हो जाता है, टेस्ला कॉइल वाला। शायद से नहीं देखा, मैं आपको वीडियो का लिंक शेयर करूंगा, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। प्रीवियस स्लाइड यही तो था, प्रीवियस स्लाइड क्या, हाँ देयर विल बी अ नेगेटिव साइन फॉर अपोजिट नेचर, बिल्कुल। तो मैं भी नेगेटिव साइन आप चाहे तो लगा लो, लो मैं एक मिनट यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देता हूँ। नेगेटिव साइन विल बी फॉर अपोजिट नेचर, या यहाँ पे भी नेगेटिव साइन, ये लो भाई। जैसे कंप्लीट हो जाए बता देना, और इतने मेरे को एक मिनट दो। इसलिए कभी किसी ने नोटिस किया जब बल्ब फ्यूज होता है तो फ्यूज होने से पहले एकदम से बहुत ज्यादा ग्लो करता है वो। यस सर। उसका रीजन यही है, बल्ब फ्यूज होने से पहले एकदम से बहुत ज्यादा ग्लो क्यों करता है, क्योंकि बल्ब फ्यूज होने का मतलब है बल्ब में जो वायर होती है ना ये वाली वायर कट हो जाती है, एकदम से सर्किट ब्रेक, तो एकदम से बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और वो बल्ब को ज्यादा ग्लो करा देता है क्योंकि उसकी वैल्यू लार्ज होती है। क्या कहते हैं ऋतु, आप कौन सी स्लाइड कह रहे हो जिसमें सीक्वेंस में लिखा, यही वाली स्लाइड ना? No, sir, sir, इससे भी लास्ट वाली, ये एक, ये बस यही तो करा मैंने, और कुछ लिखा ही नहीं। No, sir, आपने सर सीक्वेंस में लिखा था। अच्छा वो ठीक है, सीक्वेंस में म्यूचुअल इंडक्शन का लिखा था, तो अभी म्यूचुअल इंडक्शन आएगा फिर से लिख दूंगा वो वाला। ओके सर। ये अभी हम सेल्फ इंडक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिख लो भैया हेडिंग सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन कर रहे हैं ये भी। क्योंकि लोगों को डिफिकल्ट वैसे सेल्फ इंडक्शन ही लगता है, म्यूचुअल इंडक्शन तो समझ में आ जाता है। प्रतिभा मैडम बिल्कुल सही, चलो भाई भाई सबका हो गया तो आगे बढ़ जाऊं। Yes, sir. चलो अब यार बात करनी है फॉर्मूले की, तो देखो फॉर्मूला क्या है यार, हमें पता है कि जो फ्लक्स है वो फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स, इन वाले केसेस में मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली इन वाले केसेस में करंट पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप करंट की वैल्यू चेंज करा रहे हो, जैसे जैसे करंट की वैल्यू चेंज करा रहे हो वैसे वैसे हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है और उसके हिसाब से बैक ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भैया इन वाले केसेस में हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, प्रोपोर्शनैलिटी साइन है
तो हमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो क्या कह सकता हूं कि भैया मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एल एंड इनटू आई। ये एल क्या है भैया, ये एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम कहेंगे कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इसका SI यूनिट होता है हेनरी। तो अगर मैं यहां से तुम्हें कहूं कि भैया L की वैल्यू बताओ, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्लक्स बाय करंट। क्या कोई दिक्कत है किसी को? एक फॉर्मूला तो ये आ गया जब भी मैं आपसे सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशियंट निकालने के लिए कहूं। दूसरी चीज, इसकी वजह से हमारा इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है और इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला था डी फाई बाई डी टी। तो बस इस वाली इक्वेशन से फाई की वैल्यू लिख दो, तो इस वाली इक्वेशन से बस अगर मैं फाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एल, एल तो कॉन्स्टेंट था इसलिए बाहर आ गया, तो बस बचेगा क्या डी आई बाई डी टी। और मैंने तुम्हें यही तो कहा कि इधर करंट चेंज हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है और फिर से एक नया करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक करंट हम दे रहे हैं और एक करंट अपने आप जनरेट हो रहा है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। भाई आप चाहे ना ये घर पे भी कर सकते हो, पता है एलईडी बल्ब लेके आना और नॉर्मल बैटरी लेके आना जो आपके पास होती है ये वाली बैटरी, और वायर से कनेक्ट करके एकदम से स्विच ओपन क्लोज करना, एकदम से वायर तोड़ना एकदम से जोड़ना, तो आपको दिखेगा बल्ब एकदम से ज्यादा ग्लो करेगा और एकदम से फिर से बंद हो जाएगा। अब एक काम करके दे दो भाई आप लोग, इस सेल्फ इंडक्टेंस का यूजली एग्जाम में पूछा जाता है डायमेंशन, तो मेरे को जरा इसका डायमेंशन कैलकुलेट करके सब लोग बताओ क्या आ रहा है इसका डायमेंशन। भाई सब लोगों को समझ में आया क्या कैलकुलेट करना है? मैं बोल रहा हूं इस सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन कैलकुलेट करके दो कि भैया क्या डायमेंशन आएगा, तो डायमेंशंस कैलकुलेट हो जाएंगे। yes. चलो करके दो फटाफट। सर ML2 T माइनस टू A माइनस टू। ML2 T माइनस टू और सर A माइनस टू। भाई बिल्कुल सही, अरे बढ़िया। एम एल टू टी माइनस टू और ए माइनस टू, बिल्कुल सही। भाई जिन लोगों का कैलकुलेट नहीं हुआ है बता देता हूं कि यार हमें क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, फर्स्ट वाला कि एल इज इक्वल टू फ्लक्स बाय करंट। फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा को तो भूल जाओ क्योंकि कॉस थीटा तो डायमेंशनलेस होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, तो बचा बस बी ए और डिवाइडेड बाय करंट। बी है मैग्नेटिक फील्ड, भैया मैग्नेटिक फील्ड फिर से जिस चाहे जिस मर्जी फॉर्मूले से कर लो, मैंने जैसे आपको बताया था ना कि मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायमेंशन लिखने के लिए आया तो कौन से फॉर्मूले से करोगे, क्यू वी बी साइन थीटा वाले से, एफ इक्वल टू क्यू वी बी। भाई कुछ याद है या रिपीट करना है? चलो किसी ने बोला रिपीट भी कर दो, चलो भैया रिपीट। यार याद रखो फोर्स का फॉर्मूला आई एल बी साइन थीटा, आपका जो मन करे आप वो वाला फॉर्मूला यूज करो या क्यू वी बी साइन थीटा, फिर से साइन थीटा भूल जाओ डायमेंशनलेस से। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं तो फोर्स बाय करंट और इनटू लेंथ। यार फोर्स का डायमेंशन तो ऑलमोस्ट रटा ही होता है एम एल टी माइनस टू, करंट का डायमेंशन ए और एल का डायमेंशन लेंथ है तो एल, यहां से मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन आ गया। अब पीछे मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन सब्स्टिट्यूट कर देना यहाँ पे फ्लक्स की जगह, और एरिया का डायमेंशन डिवाइडेड बाय हमारे पास आया करंट का डायमेंशन, ये सारे डायमेंशन सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपके पास ये ऊपर वाला डायमेंशन आ जाएगा। चलो कंप्लीट करो। Done. डन, बढ़िया।
तो भाई अगर अब ये सेल्फ इंडक्शन हो गया है तो आ जाओ नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। भाई म्यूचुअल इंडक्शन में फिर से बता देता हूं मैंने क्या लिखा था, जो आप कह रहे थे सीक्वेंस में मैंने लिखा था, मैंने ये लिखा था कि हम प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज करा रहे हैं, हम प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज करा रहे हैं, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो भी चेंज होगी। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भैया हमारे सेकेंडरी कॉइल से पास कर रही है, पासिंग थ्रू सेकेंडरी कॉइल, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अगर सेकेंडरी कॉइल से पास कर रही है और ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो हमारा जो सेकेंडरी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भैया चेंज हो रहा है, और अगर हमारा सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो सेकेंडरी कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाए। इसी सीक्वेंस की बात कर रहे थे ना आप? यस सर। बिल्कुल, चलो नेक्स्ट सर। डन, चलो। अब यार इसमें भी फिर से वही वाला केस, हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो सेकेंडरी कॉइल से लिंक हो रहा है वो अल्टीमेटली करंट पे डिपेंड कर रहा है ना। अब यहाँ पे क्या करना भैया, यहाँ पे ना वेरिएबल डाल देना ताकि आपको क्लियर हो जाए। टू लिख रहा हूं, टू का मतलब समझ जाओगे सेकेंडरी कॉइल, कि हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है करंट, जो किसमें चेंज हो रहा है, जो चेंज हो रहा है प्राइमरी कॉइल में, मतलब आई वन। फिर से प्रोपोर्शनैलिटी साइन आ रहा है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन आ रहा है, तो क्या मैं फिर से इसको रिमूव करके कांस्टेंट लगा सकता हूं, तो हमारे पास आ जाएगा कि भैया जो फ्लक्स चेंज हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में दैट इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एम इंटू आई वन। अब फिर से एम क्या होगा भैया, एम होगा हमारे पास कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब भाई एक चीज यहाँ पे सुनो, यहाँ पे मैंने वर्ड म्यूचुअल यूज कर दिया, म्यूचुअल मतलब कॉमन प्रॉपर्टी है, मतलब भैया ये दोनों कॉइल्स के लिए सेम आएगा, मतलब अगर मैं करंट इसमें चेंज करा के इसमें प्रोड्यूस करा रहा हूं तो भी कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम आएगा, अगर मैं इसमें करंट चेंज करा के इसमें इंड्यूस ईएमएफ करंट प्रोड्यूस कर रहा हूं तो भी बात सेम ही होगी, इन दोनों में से किसी एक में भी करंट चेंज करा दो और किसी एक में भी प्रोड्यूस करा दो, दोनों केसेस में जो फ्लक्स आएगा, जो मतलब हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा वो सेम ही आएगा, क्योंकि इट इज अ म्यूचुअल प्रॉपर्टी। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। तो फिर से वही वाली बात, हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया, तो मैं एम का फॉर्मूला लिख सकता हूं, एम इज इक्वल्स टू फ्लक्स 2 डिवाइडेड बाय करंट 1। ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आ गया, तो अब हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एम कांस्टेंट है, बस फिर से बचेगा डी आई बाय डी टी। जैसे ये सब भी नोट डाउन हो जाए बता देना। डन, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो यार याद रखो, अब हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। डन, बढ़िया। तो भाई याद रखना, हमारा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सेल्फ इंडक्टेंस भी। भैया एक फैक्टर्स तो है हमारे पास कि ये डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ द कॉइल पे, एल आप लिख लो पहले, मैं आपको एक एक करके समझा दूंगा, लेंथ पे डिपेंड करता है। सेकंड, ये डिपेंड करता है एरिया पे। थर्ड, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे। और फोर्थ भैया, ये डिपेंड करता है परमेबिलिटी पे। और एक लास्ट,
ये डिपेंड करेगा ओरिएंटेशन पे। क्या आपने सब ये लिख लिया है? फिर मैं एक्सप्लेन करना चालू करूं? यस सर। चलो डन। बढ़िया यार, एक बार सोचो खुद ही, अगर मैंने अपना प्राइमरी कॉइल ऐसे रखा, डन, और दूसरा सेकेंडरी कॉइल ऐसे रखा, तो क्या इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ म्यूचुअल इंडक्शन होगा या नहीं होगा? यार इन दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्राइमरी कॉइल के अंदर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करूं तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बनेगी, लेकिन क्या ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे सेकेंडरी कॉइल से पास कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंडरी कॉइल से पास ही नहीं कर रही। तो जब ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंडरी कॉइल से पास ही नहीं कर रही, तो इस केस में करंट कैसे प्रोड्यूस होगा दूसरी वाली में? दूसरी वाली के लिए तो कोई फ्लक्स आ ही नहीं रहा, फ्लक्स जीरो आ रहा है, तो मतलब कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ही नहीं। लेकिन अगर मैं इस सेकेंडरी कॉइल को ऐसे रख दूं, तो भाई फिर इससे हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स पास होने लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड पास होने लगेगी, और इस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो यार इसी को मैंने कहा है फिफ्थ पॉइंट में कि ओरिएंटेशन, कि भैया ये डिपेंड करेगा कि हमारा सेकेंडरी कॉइल कैसे रखा हुआ है, उसके हिसाब से म्यूचुअल इंडक्शन होगा। जैसे कि अगर मैं इन दो कॉइल्स को दूर दूर रखूं, तो भैया इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे कम क्रॉस करेगी, तो उस केस में म्यूचुअल इंडक्शन कम होगा। लेकिन अगर मैं दो कॉइल्स को बहुत पास रख रहा हूं, तो फिर इसकी सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड इससे क्रॉस करेगी, तो उस केस में म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या भैया क्लियर है? यस सर। यस सर। तो याद रखना, सबसे ज्यादा म्यूचुअल इंडक्शन कौन से केस में होता है? सबसे ज्यादा म्यूचुअल इंडक्शन होता है ओवरलैपिंग के केस में, कि भैया मैंने दोनों सोलोनॉइड को एक के ऊपर एक ओवरलैप कर दिया है, जैसे ये एक सोलोनॉइड इसी के ओवरलैपिंग में दूसरा सोलोनॉइड, तो उस केस में मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से क्रॉस करेगी और उस केस में मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्शन आएगा। क्या चीजें क्लियर हुई? यस सर। डन। आ जाओ फोर्थ पॉइंट पे, परमेबिलिटी पे। यार परमेबिलिटी समझाने की वैसे जरूरत ही नहीं थी भाई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड म्यू नॉट एन आई, तो मतलब हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रही है इस प्राइमरी कॉइल की वजह से, वो उसकी परमेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। अगर मैं इसके अंदर कोई एक सॉफ्ट आयरन कोर रख दूं, तो वो भी मैग्नेटाइज हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट में पढ़ा होगा आपने लोअर क्लासेस में। अगर मैं इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर रख दूं, तो वो भी मैग्नेटाइज हो जाएगा, वो भी मैग्नेट बन जाएगा। तो एक मैग्नेटिक फील्ड तो बना रहा है हमारा सोलेनोइड, और फिर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो सॉफ्ट आयरन कोर, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज होगी या डिक्रीज हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी। क्या हुआ, इसमें कोई डाउट है? फिर से एक्सप्लेन करना है? यस सर। सर एक बार रिपीट कर दो। रिपीट। डन। यार मैंने कहा कि सपोज ये मैंने एक खाली सोलेनोइड लिया, मतलब इसके बीच में कुछ नहीं मटेरियल डाला हुआ, तो यार हमारे सोलेनोइड का फॉर्मूला जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा म्यू नॉट एन, मैं कह रहा हूं। लेकिन अब अगर मैं इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर रख दूं, तो यार हमें पता है सॉफ्ट आयरन कोर को रखने का बेनिफिट क्या है, कि भैया जो ये मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी हमारे सोलेनोइड की, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये सॉफ्ट आयरन कोर भी क्या बन जाएगा? सॉफ्ट आयरन कोर भी मैग्नेट बन जाएगा। भैया ये पढ़ा है 9th क्लास में, लोअर क्लासेस में, इलेक्ट्रोमैग्नेट में। यस सर। ये भी एक मैग्नेट बन गया। तो एक मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से ही आ रही है जो सोलेनोइड ने बनाई, ये भी एक मैग्नेट बन गया, तो क्या ये एक मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा? ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो मेरे को बताओ अब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ रहा है, इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है? Yes, sir. तो बस वही चीज मैंने यहाँ पे दी, कि अगर भैया मैं प्राइमरी कॉइल के अंदर कोई मटेरियल डाल दूं, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो जो म्यूचुअल इंडक्शन होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए ये डिपेंड करता है हमारा परमेबिलिटी। थर्ड फैक्टर भी इसी फॉर्मूले से देखो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर मैं अपने प्राइमरी कॉइल में ज्यादा से ज्यादा टर्न्स लूंगा, तो ऑटोमेटिकली इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज्यादा बनेगी, और जो सेकेंडरी कॉइल से पास होगी वो भी ज्यादा पास होगी, तो अल्टीमेटली म्यूचुअल इंडक्शन बढ़ जाएगा।
सेम थिंग विद द एरिया एंड सेम थिंग विद द लेंथ. चीजें क्लियर हो गई हैं? यस सर. इसको नोट डाउन करो, खत्म कर दें चैप्टर. दैट इज ट्रांसफॉर्मर. बहुत सिंपल है, वो तो खुद दूसरा कॉन्सेप्ट है. चलो डन. वेरी गुड. लिखो भाई लास्ट टॉपिक ट्रांसफॉर्मर. वाह सर हमें इतना डिफिकल्ट लगता है. अरे तो सिंपल ही कॉन्सेप्ट था यार, अब तो मैं ऐसे कर रहे हो. फॉर्मूले के बेस पे तो फैक्टर्स बता दिए. चलो भाई ट्रांसफॉर्मर देखो. ट्रांसफॉर्मर दो टाइप के होते थे, शेल टाइप कोर टाइप. आजकल हम जो यूज करते हैं दैट इज बेसिकली ऑफ शेल टाइप. इस तरीके का हमारा शेल बने होंगे. सबने ट्रांसफॉर्मर अपने कभी ना कभी डे टू डे लाइफ में बहुत कॉमनली देखा भी होगा, बस आपको पता नहीं. चलो यार ये हम आपने ट्रांसफॉर्मर देखा होगा, ये इस टाइप का स्क्वायर वो होता है और ये मल्टीपल शीट से बना होता है. मतलब ये एक टाइप का क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर है, ये मल्टीपल शीट से बना हुआ होता है. यहां पे हमारे पास होगी प्राइमरी कॉइल. ये हो गई हमारे पास प्राइमरी कॉइल. इस प्राइमरी कॉइल्स में कुछ नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मैं कह रहा हूं, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है N1. अरे ये नहीं मैडम, मैं कह रहा हूं तुमने वैसे भी देखा होगा अब कभी कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस, मैं भी बता देंगे छोड़ो उसको. ये मैंने प्राइमरी कॉइल लिया, उसको अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट कर दिया. इस अल्टरनेटिंग सोर्स का ईएमएफ कितना है भैया? A1. यहां पे हम क्या कनेक्ट करेंगे? यहां पे हम कनेक्ट करेंगे अपना दूसरा कॉइल, दैट इज सेकेंडरी कॉइल, जिसके अंदर मेरे को करंट इंड्यूस कराना है, ईएमएफ इंड्यूस्ड कराना है. तो ये हो गया, यहां पे लिख देता हूं प्राइमरी कॉइल. ये हो गया भैया हमारा सेकेंडरी कॉइल, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है N2. और यहां पे मैंने कनेक्ट कर दिया है एक गैल्वेनोमीटर टू चेक द प्रेजेंस ऑफ करंट. अब देखो भाई आपने टोरॉइड पढ़ा था, टोरॉइड. यस यस सर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोलेनोइड एंड टोरॉइड? टोरॉइड रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर अलग होता है. और अरे यार नहीं आता तो कुछ बोल दिया करो, ऐसे शांत बैठोगे तो हो जाएगा. इधर यार सोलोनॉइड के केस में पता है क्या होता है? हमारे पास सोलोनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो किसकी तरह बनती है? बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह बनती है. तो बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और कहां पे एंड हो जाती है? साउथ पोल पे. तो इसके साथ भी यही होता है. सोलोनॉइड के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म बन रही है, लेकिन ये क्लोज लूप बनने की कोशिश करेगी, क्लोज लूप. अब अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल आ रही है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल आ रही है ना, तो अंदर के रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो स्ट्रॉन्ग बनेगी और वो यूनिफॉर्म बनेगी. लेकिन सोलेनोइड के साथ दिक्कत क्या है कि बाहर भी थोड़ी बहुत मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है. तो बाहर भी अगर थोड़ी बहुत मैग्नेटिक फील्ड आ रही है तो बाहर वाले रीजन में भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड बस क्या होगी? वीक होगी. क्या ये चीज समझ में आई? यस सर. यस सर. लेकिन ये एक दिक्कत वाली बात है भैया, हम बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहते, हम चाहते हैं जो भी मैग्नेटिक फील्ड बने वो बस हमारे डिवाइस के अंदर ही बने. जैसे कैपेसिटर था, कैपेसिटर में दो प्लेट लेते थे तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती थी वो इन दोनों प्लेट्स के बीच में ही बनती थी. यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी? जीरो होती थी. कुछ याद है? Yes, sir. तो टोरॉइड में हमने यही किया. हमने टोरॉइड में क्या किया, इस सोलेनोइड को बेंड कर दिया और इस टाइप का एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना लिया. भैया टोरॉइड भी सबने, पता नहीं आप लोग इलेक्ट्रिक डिवाइस कभी कुछ खोलते हो या नहीं, टोरॉइड इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है. तो इसके अंदर क्या एडवांटेज है, इसके अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो बाउंड हो जाती है, वो इसी के रीजन के अंदर ही रहेगी मैग्नेटिक फील्ड.
इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो, बाहर वाले रीजन में भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनी वो सिर्फ इस टोरॉइड के इस डिवाइस के अंदर अंदर ही बनी, तो मेरे को कोई खतरा नहीं है, बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं। ये क्लियर हो गई चीजें? Yes. तो इधर भी हम यही कर रहे हैं, इधर हम क्या कर रहे हैं, ये मेटल का फ्रेम बना हुआ है, मेटल फ्रेम। तो इस मेटल फ्रेम से क्या एडवांटेज मिला भैया, जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल में बनी होगी ना, ये टोरॉइड की तरह इसी के अंदर बाउंडेड हो जाएगी, इस तरीके से पूरे इस मेटल फ्रेम में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, लेकिन जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो इसी फ्रेम के अंदर अंदर बाउंडेड होगी। तो यार एक बार बताओ, जो ये मैग्नेटिक फील्ड पहले प्राइमरी कॉइल ने प्रोड्यूस करी, भैया इस प्राइमरी कॉइल में फिर से वही वाला सीक्वेंस, प्राइमरी कॉइल में अल्टरनेटिंग सोर्स है तो करंट चेंज होगा, इसके करंट चेंज होने की वजह से जो ये मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ये भी क्या होगी, कंटिन्यूअसली चेंज होगी। अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो इससे लिंक जो फ्लक्स है वो क्या होने लगेगा, चेंज होने लगेगा। तो इससे फ्लक्स चेंज हो रहा है तो हमारा ऑलरेडी मतलब उसमें सेकेंडरी कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, दैट इज डी फाइव बाई डी टी। क्लियर? यस सर। अब भैया याद रखो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमारा E1 बाई E2 मतलब ये किस पे डिपेंड करेगा, मतलब मैं सीधी बात अगर आपको समझाना चाहूं भैया, ट्रांसफॉर्मर हमारे पास होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। नाम से पता चल जाना चाहिए स्टेप अप का काम क्या होगा, सर लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। भाई वेरी गुड, स्टेप अप का मतलब है कि जो मैं E2 प्रोड्यूस कर रहा हूं वो E1 से ज्यादा होगा, मतलब लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। वेयर स्टेप डाउन का मतलब क्या होगा, सो हाई टू हाई वोल्ट टू लो। तो यार ये किस पे डिपेंड करेगा कि जो E2 बन रहा है वो कम बनेगा या ज्यादा बनेगा। तो याद रखना हमारा जो EMF है, जैसे मैंने बोला फ्लक्स पे डिपेंड करेगा, फ्लक्स का फॉर्मूला BA, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगी नंबर ऑफ टर्न्स पे, तो इनडायरेक्टली भैया जो हमारा EMF है याद रखना वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे। अगर N1 की वैल्यू ज्यादा हुई N2 से तो फिर हमारा E1 बड़ा होगा E2 से, मतलब फिर ये वर्क करेगा एज अ स्टेप डाउन। लेकिन अगर मैं सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा कर दूं तो इस केस में E2 की वैल्यू बड़ी हो जाएगी E1 से और फिर ये किसकी तरह काम करेगा, ये काम करेगा स्टेप अप की तरह। भाई डंडा नाडन? Yes. तो इसलिए हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है, फॉर्मूला क्या आता है, E1 बाय E2 इज इक्वल्स टू N1 बाय N2, कि भैया जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है, तो मैंने दोनों का रेशियो ले लिया, कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बस बचेगा E1 बाय E2 इज इक्वल्स टू N1 बाय N2, और इस फॉर्मूले को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मर रेशियो। अब भैया एग्जांपल सुनो, आप डे टू डे लाइफ में ट्रांसफॉर्मर कहाँ यूज करते हो, भैया आपके फोन का चार्जर ट्रांसफॉर्मर है। आपके घर में कितना वोल्टेज आता है, भैया आपके घर में वोल्टेज आता है 220 वोल्ट, लेकिन आपके फोन को 220 वोल्ट नहीं चाहिए, आपके फोन को वोल्टेज कम चाहिए, तो फिर हम क्या करना चाहिए, हमें स्टेप अप करना चाहिए या स्टेप डाउन करना चाहिए, स्टेप डाउन करना चाहिए, क्योंकि मेरे फोन को 220 वोल्ट जितना नहीं चाहिए, बहुत कम चाहिए। तो इसलिए जो हमारे फोन का चार्जर होता है या लैपटॉप का जो चार्जर होता है वो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर होता है, वो यही काम करता है कि हमारे घर में जो वोल्टेज आ रहा है 220 वोल्ट को उसको रिड्यूस करके भैया एक मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करना, जिससे मेरा फोन जितना वोल्टेज चाहिए रिक्वायर्ड कम वोल्टेज उतना प्रोवाइड कर दे, बस। चीजें क्लियर हुई हैं? इसको नोट डाउन करो, मैं आपको एक वो दिखा देता हूँ कि भैया ट्रांसफॉर्मर कैसा होता है, आपको इमेज दिखा दूंगा उसकी, ट्रांसफॉर्मर कैसा होता है।
सबने कभी ना कभी देखा ही है, छोटा वाला जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में होता है। आप अपना चार्जर भी ओपन करोगे तो उसमें भी यही मिलेगा। सबको दिख रहा है गूगल? यस सर। भाई जो सबसे पहला वाला है पावर ट्रांसफॉर्मर, जो सबसे लास्ट वाला है थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर, ये सब तो आपने देखा होगा भैया कि क्या कहते हैं, ये सब तो आपके जैसे किसी एक एरिया में लगा हुआ ही होगा, यहाँ या ना। पावर ट्रांसफॉर्मर थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर देखा ही होगा भैया सबने, इवन सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर भी देखा होगा। और जो अगर आप छोटे छोटे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस खोलो, जैसे लैपटॉप चार्जर, फोन चार्जर या ट्रिमर वगैरह या कुछ भी, जनरली रेडियो, इन सब में ट्रांसफॉर्मर यूज होता है, तो आपको इसमें दिखने को मिल जाएगा ये वाला क्या कहते हैं फेराइट ट्रांसफॉर्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। भैया देखा ये येलो कलर वाला, ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ये सब तो देखे होंगे किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस में। यस सर। तो ये सब ट्रांसफॉर्मर है। अरे आकाश मैं कौन सा बोल रहा हूँ, सही वाला चार्जर खोलो भैया, खराब वाला चार्जर खोलो। प्रतिभा जो हम रियल लाइफ में ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं उसमें भी यही होता है, हमारा जो पावर स्टेशन पावर प्लांट से है वहां पे वोल्टेज बहुत ज्यादा आ रहा होता है, 40,000 वोल्ट 20,000 वोल्ट, लेकिन घर में सप्लाई करने के लिए आपको इतना करंट नहीं चाहिए, इतना वोल्टेज नहीं चाहिए, आपके घर में सप्लाई करने के लिए 220-240 वोल्टेज चाहिए। तो जो आपके आसपास की सोसाइटीज के पास ट्रांसफॉर्मर लगा होता है ट्रांसफॉर्मर, उसका भी यही काम है कि भैया स्टेप डाउन करना, कि इतने ज्यादा हाई वोल्टेज से जो करंट आ रहा है उसको रिड्यूस करके आपके घर के लाइक मिनिमम वोल्टेज बना। बढ़िया। इंस्टीट्यूट्स में जो ट्रांसफॉर्मर्स लगे होते हैं, इंस्टीट्यूट में ट्रांसफॉर्मर नहीं जनरेटर्स लगे होते हैं कि जब लाइट चली जाए तो पावर बैकअप के लिए, ट्रांसफॉर्मर्स नहीं लगे होते। सृजल वो आपको ट्रांसफॉर्मर जैसा दिखता है वो जनरेटर होता है, जनरेटर में तो करंट या स्टेप अप कहाँ यूज होता है, स्टेप अप जनरली इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होता है यार, जनरेटर तो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है ना। जनरेटर तो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया कि जनरेटर के अंदर कॉइल रोटेट करती है और वो कॉइल रोटेशन की वजह से मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, वहां तो हम करंट को प्रोड्यूस करा रहे हैं एक ही सब कुछ सेटअप में, लेकिन ट्रांसफॉर्मर में करंट पहले से ही है, बस मैं करंट की वैल्यू वगैरह चेंज करा रहा हूं। सृजल क्या ये चीज क्लियर है? समझने जैसा या कुछ वो नहीं है, न्यूमेरिकल पार्ट वगैरह नहीं। भैया आपको एक क्वेश्चन दे दूं, क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे? Yes, sir. चलो डन। भैया इस क्वेश्चन को करो इंपॉर्टेंट मार्क, यूजली इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। चलो भाई भाई ये हमने दो कॉन्सेंट्रिक कोप्लानर लूप्स लिए हुए हैं, एडी करंट्स में लैमिनेटेड कोर इसलिए यूज करते हैं टू अवॉइड एनर्जी लॉस। बिल्कुल सृजल, इधर भी जो हमने ये बनाया ट्रांसफॉर्मर जो मैंने आपको दिखाया उसमें मल्टीपल लैमिनेटेड शीट्स यूज करके उसको फ्रेम बनाते हैं टू अवॉइड एनर्जी लॉस, क्योंकि अगर एक सिंगल मोटा थिक फ्रेम लूंगा तो उसमें एनर्जी लॉस ज्यादा होगी। बिल्कुल सृजल। चलो भाई देखो, ये मैंने दो कोप्लानर कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर लूप्स लिए,
भैया बाहर वाले में करंट फ्लो कर रहा है हमारे पास आई, और जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमने अज्यूम कर लिया कि भैया कर रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस बाहर वाले की लेंथ स्क्वायर लूप की लेंथ दे रखी है दैट इज एल, अंदर वाले में हमें जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है स्मॉल एल, और क्वेश्चन ने कह रखा है कि भैया कैपिटल एल बहुत बड़ा है स्मॉल एल से। चेक करके बताओ पहले यहां तक कोई दिक्कत? डन। फाइंड द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द स्मॉलर लूप। चलो भैया ट्राई टू कैलकुलेट। क्वेश्चन क्लियर है? किसी के लिए रिपीट करना है? चलो भी डिस्कस करें, स्टेप्स बता दो, कैलकुलेट कर लोगे ना खुद तो? अबे हाँ या ना? यस सर। चलो इधर सर माइक ऑफ है भाई, रिपीट, सॉरी वॉइस चली गई थी। मैं बोल रहा हूँ हमने ये फोर्थ चैप्टर में पहले भी किया है कि एक स्क्वायर की वजह से अगर मैं सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए कहूँ तो हो जाएगी कैलकुलेट? यस सर। कैसे किया था हमने? भाई हमने एक वायर ली और उसकी वजह से सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया था, और इसी वैल्यू को हमने फोर से मल्टीप्लाई कर दिया था क्योंकि चारों वायर्स की वजह से सेम मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और सबकी डायरेक्शन भी सेम आ रही थी इनवर्स इनवर्स इनवर्स। तो भैया मैं मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिख देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट वायर, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट वायर, म्यू नॉट एन आई बाय 4πa इनटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो भैया यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 क्या होंगे? इन दो वायर्स के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो मेरे को बताओ ये सेंटर पे कितना एंगल बनाएंगे स्क्वायर के केस में? 60। कितना? 45। भैया 45, तो ये एंगल हो गया 45, ये वाला एंगल भी हो गया 45। तो यार यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्या मैग्नेटिक फील्ड निकाल लोगे? Yes, sir. तो यार ये वाला हो जाएगा हमारे पास B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n, करंट फ्लो कर रहा है I, मेरे को बताओ लेंथ कितनी कंसीडर करें, 4πa की वैल्यू कितनी कंसीडर करें? अबे ए की वैल्यू कितनी होगी ये? एल बाय टू। एल बाय टू, सब मरे पड़े बच्चे हैं। इनटू साइन थीटा 1 दैट इज साइन 45 प्लस साइन 45। अब यार इसी वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर देना तो ये आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा जो हमारे बड़े वाले लूप ने प्रोड्यूस किया।
हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया, कैलकुलेट कर लोगे आप। उसके बाद हम निकालेंगे फ्लक्स थ्रू दी सेकेंड लूप, जो बीच वाला लूप था। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होगा मैग्नेटिक फील्ड जो फर्स्ट ने प्रोड्यूस करी, लेकिन एरिया कौन सा लेना पड़ेगा, जो सेकेंड वाले का है, दैट इज स्मॉल एल स्क्वेयर। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। डन। वर्षा एक इनटू कॉस 0 डिग्री, क्योंकि छोटे वाले लूप का एरिया वेक्टर अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ, तो ये हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। एक बार हमारे पास फ्लक्स टू आ गया तो फिर तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है, इसे रिपीट करना है। ठीक है, बताओ कौन से वाले पार्ट से, आकाश कौन से वाले पार्ट से रिपीट करना है? सर यही जो x is equal, ये वाला अगला अगला वाला। डन भाई। आकाश फर्स्ट वाले लूप का काम था मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना। जैसे अभी याद करो म्यूचुअल इंडक्शन में हम क्या कर रहे थे भैया, पहला वाला कॉइल तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ना। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किससे पास हो रही थी, सेकेंड वाले कॉइल से। तो हमारा जो फ्लक्स आएगा वो कौन से कॉइल का लूंगा, पहले वाले का या सेकेंड वाले का? भैया फ्लक्स तो मैं सेकेंड वाले का लूंगा ना, क्योंकि इसकी फील्ड तो इससे पास कर रही है ना। तो जब मैं फ्लक्स लिख रहा हूं तो फील्ड तो लूंगा पहले वाले की, लेकिन एरिया किसका लेना पड़ेगा, एरिया तो सेकेंड वाले लूप का लेना पड़ेगा ना। यस आकाश क्लियर है? यस। तो इधर जो तुमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करी वो तो बिगर लूप की कैलकुलेट कर ली। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहीं पे फिर से, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 4 पाई L/2 इनटू साइन 45 प्लस साइन 45 इनटू 4। ये तो हो गया हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट। एरिया लिखना पड़ेगा सेकेंडरी कॉइल का, सेकेंडरी कॉइल की लेंथ ही एल और स्क्वायर का एरिया होता है एल स्क्वायर। एंगल होगा कॉस 0 डिग्री, दैट इज 1। समझ में आया कॉस 0 डिग्री क्यों होगा? यस सर। छोटे वाले स्क्वायर लूप का एरिया वेक्टर अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो मतलब 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री 1। इसको सॉल्व कर लोगे फ्लक्स आ गया। अब भैया म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला क्या था? भैया याद हो मैंने बताया था म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला होता है फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो बस हमारा भैया करंट करंट कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन आ जाएगा। किस्सा खत्म। चेक करके बताओ सबको ये क्लियर है या रिपीट करना है? क्लियर सर। भैया आकाश अब क्लियर है, रिपीट करो? डन सर। डन। तो यहाँ तक कंप्लीट कर लो चैप्टर भैया खत्म, इसको रिवाइज करो, कुछ डाउट्स हैं तो भेज देना। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड बता दो। प्रीवियस स्लाइड ये लो। डन सर। मेरे को इसका फाइनल आंसर नहीं पता यार, वो तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मेरे को आंसर याद नहीं है।